तो गाइज आपको डिसाइड करना कि मैं दिवाली में कौन सा लहंगा लूँ या सूट लूँ, प्लीज़ बताओ। एंड वेलकम बैक टू अलकायंस व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कितना अच्छा लग रहा है ना बैकग्राउंड पहले से ज़्यादा, तो आपको भी कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, सो थैंक यू सो मच। बाकी चलो व्लॉग को आगे बढ़ा। सोच रही है क्या सोच रहा है मम्मी इतना? हाँ देखो मेरी मम्मी बिना मेकअप के, बिना एनी टाइम आप देखोगे बिना मेकअप के रहती है, और मेरी मम्मी ने अपने बाल में कभी कुछ नहीं कराया ना फेस पे कुछ कराया, फेशियल कराता रहता ना फेस पे तो कराया, बाल पे कुछ भी नहीं कराया, इसलिए मेरी मम्मी का बाल काफ़ी ताज़ा रहता था पहले। इतना इतना बड़ा बड़ा बाल था मेरी मम्मी का, पता है? अभी तो मम्मी ने कटवा दिया था, बाकी कुछ कराया नहीं ना आज तक मम्मी बाल में, और हम लोगों के बाल में मम्मी ने बचपन से ही तेल नहीं लगाया, इसलिए हमारा बाल टकले हो गए। हम टकले हो रहा है और ऊपर कौन सो रहा है, टॉफी सो रही है क्योंकि आज संडे है ना तो इसका ऑफिस नहीं है, तो आज ये बहुत लेट तक सोएगी मुझे पता है। कर रहे क्योंकि मिस्त्री अंकल से ना पापा गेट कलर कराना भूल गए थे, तो आप देखो पापा ना ये वाला कलर बच गया था तो पापा वही कलर कर रहे हैं। देखो ये पापा ने किया, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना, मुझे भी नहीं हो रहा कितना अच्छे से परफेक्टली पापा ने कलर किया। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, गेट पापा भूल ही गए मिस्त्री से कलर कराना, बट ये भी अच्छा ही लग रहा है। दोस्त नहीं उठेगी क्या, पता नहीं। संगीता ये तो इतनी गहरी नींद में है। संगीता बाप रे बाप, ये उठने वाली नहीं है। बुच्ची मम्मा के पास जा रहे हैं ना, भूखू लग गई, नींद से उठा है मेरा बुच्ची। देखो कितना नींदी नींदी करके उठा है, इसको आलस आ रही है। अरे वाह, घर पे डेकोरेशन शुरू। मम्मी मेरी फ्रेंड के लिए और मेरे लिए नाश्ता बना रही है। नाश्ते में क्या बना रहा है? चूड़ा पुलाव। चूड़ा पुलाव बना रही है मम्मी, पोहा बना रही है, साथ में कॉफ़ी बना रही है ना। गर्म कॉफ़ी पीने का मन नहीं है मम्मी, नॉर्मल कॉफ़ी बना दो ना ठंडा। दिवाली की साफ सफाई कर रही है ना। आपका हो गया पूरा रूम साफ हो गया? बस देखो सब नया डब्बा लाने का, नया डब्बा लेके आए हैं। अच्छा देखो वाह, नया डब्बा के अंदर नया चीज काफी अच्छा है। ये देखो दिवाली कुछ इश्की मुंडी आए हैं, बैठ गया बैठ गया। ट्रे लेकर आई है देखो, दिवाली स्पेशल है ना। हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ कोई आता है देने में काम आता है क्या? ट्रे था खत्म हो गया एक्चुअली, बड़ा बड़ा है, छोटा नहीं था। साइज भी सही है लाइक हिसाब से दे दो। हाँ गुची आपका देख रहे, पोहा खा रहे हैं, मेरी बहन सर्व कर रही है, थैंक यू सो मच। नहीं मेरे को भुजिया नहीं चाहिए, तुम खाओ। सारी थी हॉट कॉफी तो मैंने कोल्ड कोल्ड कॉफी का बोल दिया, हॉट पीने का मन नहीं था, गर्मी है ना भाई। शॉपिंग करने के लिए तो अभी मैं लूंगी कुछ सूट, लेने का सोचा मैंने, ट्रेडिशनली पहनते दिवाली में तो वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनते हैं, तो चलो चलते हैं मनी स्क्वायर, वहां से पिछले बार लिया था डब्लू से, तो बहुत प्यारे कलेक्शन रहते हैं उसमें। लेट्स सी अभी नेक्स्ट कहां से लेते हैं। पापा का फोन चला रहे हैं। देखो मम्मी दिवाली में क्या चाहिए आपको इस बार, क्या चाहिए दिवाली में? चांदी की पायल। ठीक है आपके लिए चांदी की पायल लाएंगे। कपड़े नहीं चाहिए? नहीं कपड़ा नहीं चाहिए। ओके क्या चाहिए तुमको? तुम जो ला दोगे फिर तुम बोलते हो पसंद नहीं आया, ले लोगी तो ओके डन। गुची तुमको क्या चाहिए? कुर्ता पजामा। ठीक है पापा आपको क्या चाहिए दिवाली का गिफ्ट? क्या चाहिए? नहीं बेटा सब बड़ा कपड़े आया हुआ। ठीक है मेरे पापा के पास कुछ रहेगा नहीं, फिर भी पापा बोलेंगे 10 कपड़ा है मेरे पास, बताते नहीं है क्या? मम्मी पापा के कपड़ा मिलती है बहुत, साड़ी नया पड़ा है, सुवर्णा भी थी तो पापा पहनता तो एक ही है, एक ही तो पहनता है हमेशा। प्लेन पायल चाहिए पतला सा है ना, क्या पहनती कहाँ है डेली, तो एक ही पहनती है, आप लोग पहनता तो एक ही है ना, कहाँ है नया, दिखता कहाँ है नया। ठीक है जो उसके बाद हम चलते हैं मॉल, डेली जूस पी होंगे ताकि थोड़ी एनर्जी बनी रहेगी। सो वेस्ट साइड में भी काफ़ी अच्छे ट्रेडिशनल के कलेक्शंस आए थे, वेस्टर्न में भी बहुत अच्छे कलेक्शन आए थे, गो एंड चेकआउट गाइस, दिवाली के अच्छे कलेक्शंस थे। सो यहाँ पे साड़ी दिखा मुझे ब्लैक में, पर ब्लैक हम लोग शायद ट्रेडिशनल मतलब दिवाली में नहीं पहनते हैं, मम्मी कहती हैं कोई नहीं। तो यहाँ पे लहंगा भी काफ़ी अच्छा अच्छा आया हुआ था, बट सबसे अच्छा तो यार मुझे आगे जाके वेस्ट साइड में वो ब्लैक वाली अच्छी लगी थी, बट यार वो थोड़ी वैसी थी, तो अच्छी तो है बहुत सुंदर है, कोई नहीं अभी हम कहीं और देख लेते हैं, अभी हम मनी स्क्वायर घूम घूम के देखेंगे, लास्ट में नहीं समझ आएगा तो वो ब्लैक वाली ले लेंगे। जहाँ से मैं लास्ट ईयर भी ली थी दिवाली का ड्रेस है ना, वहीं पे देखते हैं वहाँ पे कुछ समझ आ जाएगा। चलो डब्लू के अंदर चलते हैं हम, ये वाली। हाँ एक ये निकाल दो, इसमें अच्छी लग रही है तो हम ये भी निकाल लेते हैं एक बार। भैया इसकी स्मॉल साइज निकाल देना, भी अच्छी लग रही है यार, इसका हाथ का जो वर्क है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। बट एक चीज़ करती हूँ, डब्लू से तो मैंने ये दो पसंद किया है, ये ब्लू एंड ये पर्पल वाली, तो हम अभी और भी जगह देख लेते हैं है ना, अगल बगल में और भी स्टोर्स है सूट के, फिर लास्ट में हम डिसाइड करेंगे ठीक है। चलो अब दूसरे स्टोर पर चलते हैं, ब्लाउज सेक्शन से नेक्स्ट लहंगा ट्राई किया दूसरे शॉप पर आके। ये देखो ये लहंगा का कलर कितना ब्यूटीफुल है, कुछ डिफरेंट सा हट कर है ना, तो इसका घेर देख सकते हो आप,
एंड इसकी कलर मेरे को मेन अच्छी लगी, ज़्यादा डार्क डार्क लग रहा है, देखो येलो बहुत शाइन कर रही है, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी ये हल्दी के लिए परफेक्ट ड्रेस है आई थिंक, है ना। मेरे पास वैसे बहुत सारे लहंगे हैं, कोई नहीं और देख लेते हैं, बहुत सारे कलेक्शन उठा के लाई हूँ। बहुत सेक्सी लग रहा है ना देखो, बट आपको कैसा लगा आप बताना मुझे। ये रेड कलर का नीचे और ऊपर में ब्लाउज है गोल्डन में, बट इसके ऊपर में आएगा सी ग्रीन ब्लाउज भी अच्छा लगेगा, ये सी ग्रीन टाइप का जो है ना। चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं, ठीक है पहले ये ट्राई कर लेते हैं। ये दोनों चुन्नी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो गाइज इधर से ना मैंने तीन लहंगा पिछले बार लिया था, तीन पसंद आया था, तीनों का तीनों ले लिया। एक्चुअली क्या ना ये जो लहंगा होता है ना इनके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये जो मैंने वेयर करके रखा है वो 16,000 का है, इससे पहले जो वेयर करके रखा था वो 15,000 का था, और ये पिंक वाला जो आप देख रहे हैं वो 12K का है यार, 12,000 का बोल सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शंस थे यार इनके। पिज़्ज़ा हट में यहाँ पे नया कॉम्बो निकला है, कहाँ गया रैप, मैंने 269 वाला, फ्राइज भी है, थम्सअप भी है और साथ में ये भी है। ये लोग इतना लेट करते हैं ना यार, वेट कर रही हूँ मैं यार, खुला भी नहीं रहता इनके पास। पेप्सी भी हमें मिलता है कॉम्बो में, कितना सही है ना यार, ये रैप फ्रेंच फ्राइज एंड पेप्सी दे रहे हैं। तो हम लोग ये रैप ट्राई करते हैं पिज्जा हट का, जो कि नया लॉन्च हुआ है। इनका कॉम्बो भी सही है, मतलब 269 में आपको फ्रेंच फ्राइज भी मिल रहे हैं और साथ में दो आपको रैप भी मिल रहा है और पेप्सी भी। तो काफी चीजी है, वेजिटेबल है, साथ में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना, मुझे तो टेस्टी लग रहा है। इस भूल से ना मुझसे कोल्ड ड्रिंक गिर गया, देखो पूरा कोल्ड ड्रिंक गया यार। ये पेप्सी ले लिया, बाकी ना ये पिज़्ज़ा हट वालों ना मेरे लिए फिर से रिफ़िल कर रहे थे, बट ये मेरे पास बचे नहीं है और मैंने नया ले लिया है, तो अब रिफ़िल करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये इन्जॉय करते हैं। देखो नीचे तो गिरा हुआ था कोई नहीं यार, सब मुझे ही देखने लग गए थे, ऐसे ऑकवर्ड हो जाता है ना बहुत यार, देख लेते हैं। कुछ दिखाओ, सही लगेगा ये। मनी स्क्वायर के डेकोरेशन तो देख सकते हो और खाली पड़ा है यार, देखो। मेरे को तो समझ नहीं आया यार, यहाँ पे शॉपर स्टॉप में तो मेरे को ऐसे भी कुछ समझ नहीं आता है। अभी कल ना हम लोग साउथ सिटी मॉल पे भी जाके देखेंगे यार, मनी स्क्वायर में तो समझ आई एक लहंगा, और उसकी प्राइस है 15,000 रुपये। तो 15,000 की अभी बजट नहीं बन रही है यार, क्योंकि अभी हमने घर पे पेंट वेंट कराया ना, तो लेट्स सी नेक्स्ट साउथ सिटी में देखते कोई सूट समझ आएगा तो ले लेंगे ना। आइसक्रीम खिलाओ इसको, आप लोग के लिए चॉकोबार है, ले तो बिस्कुट दे लो गुच्छी के लिए, आइसक्रीम आइसक्रीम पापा के लिए, टॉफी के लिए भी, आपके लिए भी है, तुम हमको नहीं चाहिए। याद है बचपन में पापा और मम्मी मुझे ना शॉपिंग कराने लेके जाते थे दिवाली का, लास्ट में पापा जाना ही छोड़ दिए। पापा कहते हैं कि मैं स्टोर पे ना सबसे महंगी चीज़ पसंद करती थी, ऐसा नहीं कि कॉस्ट पूछ रही हूँ फिर पसंद कर रही हूँ, मैं महंगी चीज़ मुझे पसंद आती थी और मेरे को वही चाहिए होता था, और मैं वहाँ पे बैठ के रोने लगती थी कि मेरे को वही चाहिए, पापा को लास्ट में दिलाना पड़ता था। सो मतलब अभी भी पता है ऐसा ही सीन है, अब तो ऐसा नहीं है कि लाइक पापा मम्मी पापा के साथ जाते हैं, अब तो खुद ही जाते हैं और ऐसे देखते हैं स्टोर पर। मतलब एक तो लहंगा पसंद आया यार, इतना 15K का था यार, मेरा दिल लग गया उस लहंगे पर, अभी तक मैंने लिया नहीं है, ठीक है। आपको सारा लहंगा दिखाया, सब कुछ दिखाया, आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन सा लूँ कौन सा नहीं। बाकी कल देखती हूँ, साउथ सिटी जाऊँगी, वहाँ पे भी चेक कर लेंगे हम, ठीक है। तो आपको क्या पसंद आया ज़रूर बताना, प्लीज़ कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर देना कि क्या लेना चाहिए, ठीक है, सूट लेना चाहिए क्या लेना चाहिए, सब बता देना। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखना, आई होप आपने ड्रेस ले लिया होगा दिवाली का, है ना। आप क्या पहन रहे हो दिवाली पे मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।